क्लास 11, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। इस लेक्चर से हम अपनी जो बायो मॉलिक्यूल्स का ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत इम्पोर्टेंट प्रूव होने वाला है। ठीक, वैसे तो मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको बता दिया था कि हम क्या स्टार्ट करेंगे, तो मैं उसी को देखते हुए चलूंगी। हम अपने अमीनो एसिड्स पर डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। ये अमीनो एसिड्स जो हैं, अच्छा एक और चीज यहीं पे बता देती हूँ, कहीं कहीं पर आगे के लेक्चर्स में अगर अमीनो एसिड मेरे को बार बार लिखना होगा ना, तो मैं उसको अपने लिए शॉर्ट फॉर्म में AA लिखूंगी। ठीक, आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर रही हूँ मैं, अगर मैं आगे के लेक्चर्स में अमीनो एसिड्स लिखने वाली हूँ बहुत जगह पर अगर आएगा तो मैं उसको AA भी लिख सकती हूँ। कोई स्टैंडर्डाइज शॉर्ट फॉर्म नहीं है, बट फॉर माय कन्वीनियंस आई जस्ट यूज दिस शॉर्ट फॉर्म। अब ये अमीनो एसिड्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? बिकॉज दीज अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अब अमीनो एसिड्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के बिल्डिंग ब्लॉक से इसीलिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, अमीनो एसिड्स इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ने, क्योंकि ये जो हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये क्या है, दे एक्ट एज द मॉलिक्यूलर इंस्ट्रूमेंट्स ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर DNA टू द अदर थिंग्स। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, बहुत टाइम के बाद क्वेश्चन मार्क आया है, आना चाहिए, आंसर भी आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्यों एज अ मॉलिक्यूलर इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट करते हैं? बिकॉज दीज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स सर्व टू एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन विद इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए यू नीड दीज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो मेरे पास उसको प्रूव करने के लिए एक साक्ष्य है। साक्ष्य का मतलब एक एग्जाम्पल है ना, क्या है वो? एंजाइम्स। हम सबको पता है एंजाइम्स आर व्हाट? एंजाइम्स आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, बट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, वाइस वर्सा। एक लाइन आती है, बहुत फेमस लाइन है, मतलब इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ी सी भी इधर उधर हो गया तो पूरा मतलब बिगड़ जाएगा। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो ये एंजाइम्स कैटालाइज करती हैं, और अगर शायद वो एंजाइम नहीं होती तो उसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और उतनी एनर्जी नहीं वेस्ट कर पाती हमारी बॉडी, और उतना टाइम नहीं है कि हम उसको सर्वाइवल रेट के तौर पर ले पाएँ। तो दैट इज़ हाउ दीज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दीज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द अमीनो एसिड्स। सो दोज अमीनो एसिड्स बिकम्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब चाहे कितने भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बने, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स, बी इट बैक्टीरिया, बी इट फ्रॉम द यूकैरियोट्स, बी इट फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स, बट ऑल द प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अ सेट ऑफ 20 अमीनो एसिड्स। कहीं कहीं पर 21 और 22 भी अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट मॉडिफिकेशन जो आप आगे हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे, बट हाँ होते हैं, मैंने आपको बता दिया। सो दैट अगर कोई आपसे ये पूछा तो आप बोलो नहीं, हमारी मैम ने तो पढ़ाया 20 अमीनो एसिड्स, तो 21 22 कहाँ से आ गए? होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं वो थोड़े, लेकिन जनरलाइज फॉर्म में अभी के लिए आप कंसिडर क्या करेंगे, ऑल द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर जस्ट डिराइव फ्रॉम द सेट ऑफ 20 अमीनो एसिड्स, और उन हर एक एक 20 अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर मैं खुद आपको यहाँ बोर्ड पर दिखाऊंगी। आपने काफ़ी सारे लेक्चर्स अगर वॉच किए होंगे तो उन्होंने उसको टेबुलर फॉर्म में और जो प्रिंटेड है आपकी बुक्स में उसी से बना के दिखाया होगा, और शायद मैं समझती हूँ आपकी डिफ़िकल्टीज को कि उतनी अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा और आप कभी कभी चोरी भी कर जाएंगे, है ना, उसको बनाने के लिए। आई नो वेरी वेल द माइंड सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट बिकॉज आई हैव ऑल्सो कम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेज, इसीलिए मैं आपको यहाँ बोर्ड पर आपकी कन्वीनियंस के लिए बना के दिखाऊंगी और आप लोग भी मेरे साथ साथ में ड्रॉ करेंगे बिकॉज आई नो दैट यू पीपल फॉलो माई एडवाइस रेगुलरली। ओके, चलो कुछ और इंटरेस्टिंग बातें इस प्रोटीन के मॉलिक्यूल की, प्रोटीन मॉलिक्यूल अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल की। अमीनो एसिड का जो मॉलिक्यूल होता है उसका जो बेस स्ट्रक्चर होता है या जो बैकबोन होती है वो सेम होती है। कैसी जनरल स्ट्रक्चर को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल का? CCOOH, H,
इधर अटैच होता है हमारा NH2 ग्रुप और इधर होता है ये R ग्रुप, ये होगा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड पोर्शन। देखो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि सारा का सारा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर इसी जनरलाइज स्ट्रक्चर पर बेस करेगा, इसीलिए ठीक। ये हुआ हमारा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड पोर्शन, ये हुआ हमारा क्या बेसिक अमीनो ग्रुप। ये जो हमारा कार्बन है इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। बाय व्हाई? बिकॉज टू दिस पर्टिकुलर कार्बन दिस कार्बोनिल ग्रुप इज गेटिंग अटैच। जिस कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप अटैच होता है हम उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। दिस आर अगेन इट वैरीज एंड अकॉर्डिंगली द नेम वैरीज। ये जो R है ये होता है हमारा साइड चेन, यही साइड चेन वैरी करती है अलग अलग अमीनो एसिड्स में, जिसको कि हम बदल बदल के देखने वाले हैं। यही इनफैक्ट हमारा 20 अमीनो एसिड्स का पूरा सेट बनाएगी वेरिएबल R, लेकिन बाकी का जो बेस स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। अब देखो कुछ और फॉर्म, क्योंकि इस अल्फा कार्बन पे चारों ग्रुप्स अलग अलग अटैच्ड हैं, इसीलिए ये कैसा कार्बन हो गया आपको पता है स्टीरियो केमिस्ट्री, बताओ जरा। आ गया ना समझ में? हाँ आई थिंक सबने लिख भी लिया होगा अपनी नोटबुक्स में या सबके दिमाग में भी आ गया होगा कैसा कार्बन हो गया ये अल्फा कार्बन। काइरल सेंटर हो गया, बिकॉज ऑल द ग्रुप्स दैट आर अटैच बिकम्स द डिफरेंट एक्सेप्शन इज वन अमीनो एसिड इन विच आर इज इक्वल्स टू एच, और उस अमीनो एसिड को हम बोलते हैं ग्लाइसिन। जब मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी सब में ये काइरल कार्बन सेंटर प्रेजेंट होता है, और इसी काइरल सेंटर की प्रेजेंस की वजह से अमीनो एसिड्स दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कौन सा फॉर्म होगा वो? L और D फॉर्म, है ना। यही सेम चीज हमने अपने कहां पर देखी थी, कार्बोहाइड्रेट्स में भी L और D फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे हमारे मॉलिक्यूल्स, है ना। ग्लूकोज के केस में हमने ड्रॉ भी किया था स्ट्रक्चर, तो सिमिलरली इसी जनरलाइज फॉर्म की अगर बात करें, इसी से बता देती हूँ मैं L और R फॉर्म, L और D फॉर्म सॉरी मिरर इमेज होती है। L फॉर्म में क्या होगा, इस अल्फा कार्बन पे ये जो NH2, अच्छा ये 2-2 जैसा नहीं लग रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है ना। हाँ, इस अल्फा कार्बन पे अगर NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड पे है देन इट इज L फॉर्म, अदरवाइज इट इज राइट फॉर्म। तो यहां पर जो मैंने बोर्ड पर बनाया हुआ है, दिस इज द L फॉर्म ऑफ द जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर, समझ में आ गया। L और D फॉर्म में डिफरेंस, L फॉर्म में NH2 ग्रुप अल्फा कार्बन के लेफ्ट साइड में अरेंज होता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं L फॉर्म। D फॉर्म में उसकी मिरर इमेज हो जाएगी, NH2 ग्रुप हमारा राइट साइड में चला जाएगा। अब ऑर्गेनिजम्स के केस पे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो यूजुअली इसी L फॉर्म के में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स यूजुअली डी फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे इन ऑर्डर टू फॉर्म द पॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चर्स। सिमिलरली हेयर इन केस ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड्स आर अरेंज्ड इन दिस एल फॉर्म और दे आर प्रेजेंट इन द एल फॉर्म। बहुत रेयर अबंडेंसी होती है या बहुत रेयर फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारा डी फॉर्म। बैक्टीरिया के केस में कभी कभी मिल सकता है, बट यूजुअली हमें एल फॉर्म में ही हमारे अमीनो एसिड्स की एग्जिस्टेंस मिलती है इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब देखो एक और चीज, चलो छोटी सी और डिस्कस कर लेती हूँ यहीं पर। ये 20 अमीनो एसिड्स का जो वो है वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगी, क्योंकि वो एक सेपरेट वीडियो में रखते हैं सारे के सारे स्ट्रक्चर्स, है ना। जो एक और बात मैं बताने जा रही हूँ वो क्या है, वो है हमारी पेप्टाइड बॉन्ड। देखो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स थे वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अरेंज थे, याद करना आसान है। ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसैकेराइड है। बॉन्ड कैसे होते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, मतलब जब दो अमीनो एसिड एक साथ ज्वाइन करेंगे तो कौन से बॉन्ड से ज्वाइन करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड से। याद रहेगा पी फॉर प्रोटीन्स, पी फॉर पेप्टाइड बॉन्ड, उधर जी फॉर ग्लूकोज, जी फॉर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये मैंने आपको सिर्फ याद करने का तरीका बताया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से अटैच होंगे। नो,
each and every monosaccharide unit when gets joined to form a disaccharide or a polysaccharide unit, it gets in the form of or it gets attached through glycosidic bond. Here amino acids will join by means of this peptide bond. Kaise join karte hain, usse pehle hame dekhna padega amino acids ka in 20 amino acids ka kya structure hota hai on the basis of the different our variable R chain or variable side chain that we will discuss in our next video. क्योंकि जो next video होने वाली है वो बहुत important होने वाली है. मैं आपको जैसा कि मैंने बोला सारे के सारे structures सिर्फ आपकी convenience के लिए board पर बनाकर दिखाने वाली हूँ, जिससे कि आप भी मेरे साथ साथ बना पाए और आपको याद भी हो जाए. ये भी मेरा खुद का personal experience है कि अगर आप book से directly देखेंगे तो हम नहीं बनाएंगे क्योंकि difficult लगेगा बनाना. मैं आपको board पर बना के दिखा साथ साथ में आप अपनी नोटबुक्स पे बनाएंगे तो ट्रस्ट मी इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू ड्रॉ ऑल द 20 स्ट्रक्चर्स जस्ट लाइक दैट. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द 20 अमीनो एसिड स्ट्रक्चर्स अलोंग विद देयर सिंगल लेटर एंड थ्री लेटर कोड. वो भी इंपॉर्टेंट होगा आगे आने वाले सेशंस के लिए आपके लिए. सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू. टेक केयर. बाय बाय. थैंक यू.